फ्रेंड्स, मैं शिव निचेयन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज हैं, वो अपने रिटर्न को खुद से फाइल करेंगे। पूरा प्रोसेस एंड तक देखिएगा। यहाँ पर अब की बार क्या है कि काफ़ी सारे ऐसे केसेस है जहाँ पर रिफंड बन रहा है, तो आपको अपनी ITR फाइल करते वक्त ये जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा इनका ध्यान रखना है। और अगर एक्चुअल में आपका रिफंड बन रहा है तो आपको रिफंड क्लेम कर लेना है, ठीक है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर हम ये पूरी एक्टिविटी करने वाले हैं। लाइव में यहाँ पर आपको ITR फाइल करके भी दिखाने वाला हूँ और उसमें रिफंड किस तरीके से बनाए ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। इनकम टैक्स में जो यूजर आईडी होती है वो आपका पैन नंबर ही होता है। अगर आप यूजर आईडी भूल गए हैं या आपके पास नहीं है तो आप फॉरगॉट कर लीजिएगा, आधार OTP से वेरीफाई करके फॉरगॉट हो जाएगी। पहले मैं यहाँ पर लॉग इन करूंगा, लॉग इन करके आगे प्रोसीड करूंगा। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पर ई फाइल में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ऑनलाइन पर क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से एज एन इंडिविजुअल पर्सन आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, इंडिविजुअल, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आप कौन सी ITR फाइल करेंगे। तो मोस्टली केस में यहाँ पर एम्प्लॉयज केवल सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं, सैलरी के साथ साथ इंटरेस्ट की इनकम अर्न कर रहे हैं, उस केस में ITR 1 एप्लीकेबल होगी। लेकिन अगर आपने एज एन एम्प्लॉय सैलरी के साथ साथ शेयर मार्केट में भी डील किया है, शेयर मार्केट से आपको कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, या फिर अगर आपने FNO ट्रेडिंग या एंट्री डे किया होगा तो उसमें आपको बिजनेस की इनकम में, स्पेकुलेशन इनकम में ITR फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सैलरी के केस में ITR 1 जहाँ पर आपकी सैलरी इनकम है और इंटरेस्ट की इनकम है, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी इनकम को भी कवर करता है ये। ITR 2 जहाँ पर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, मतलब आप कैपिटल गेन से इनकम अर्न करते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, आपका कोई भी बिजनेस एक्टिविटी लाइक इंट्राडे या FNO नहीं है। ITR 3 वाइड फॉर्म है जिसमें कि आप जो है अपने डिडक्शंस के साथ साथ जो आपके बिजनेस हैं, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी इनकम, मल्टीपल सैलरी इनकम, मल्टीपल एम्प्लॉयर्स इनकम, वो आप दिखा सकते हैं। ITR 1, 2, 3, 4, 5 सबके लिए डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर ITR फाइलिंग के नाम से सर्च करेंगे तो सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपको रिफंड किस तरीके से बनेगा, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। सेकंड स्टेप आपको लेना है, ई फाइल में जाना है, 26AS पर वेरीफाई करना है, क्लिक कर देना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको करंट असेसमेंट ईयर व्यू पे क्लिक करना है, करंट असेसमेंट ईयर लेना है, असेसमेंट ईयर 24-25। सेकंड स्टेप मेरा AIS वाला रहेगा, AIS पे क्लिक करके मैं डिटेल्स एक बार यहाँ पर वेरीफाई करूंगा, आपको भी दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर डिटेल्स शो करेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको 26AS एक बार वेरीफाई कर लेना है और AIS भी इसी तरीके से वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर जो है सैलरी की इनकम है, सैलरी इनकम पर TDS कटा हुआ है, उसके अलावा सिंग बैंक का इंटरेस्ट आया हुआ है, तो इस केस में हम यहाँ पर ITR 1 फाइल करने वाले हैं, ITR 1 फाइल करने वाले हैं। लेकिन ITR 1 फाइल करने से पहले आपको यहाँ पर एक काम करना है, 2 मिनट की एक्टिविटी है, डैशबोर्ड पर जाना है, यहाँ पर टैक्स एस्टिमेटर आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, वहाँ पर अपने टैक्स को कंपेयर करना है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में। यहाँ पर TDS आपका किसी भी टैक्स रिजीम में कटा हो, अब की बार क्या हुआ है काफ़ी केस में जो है न्यू टैक्स रिजीम में TDS डिडक्ट कर लिया गया है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि जो एम्प्लॉयर है उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में TDS डिडक्ट कर लिया, तो अब आपके ऊपर ये बर्डन नहीं है कि आप जो है अपनी ITR को भी न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करें। ऐसा करना मैंडेटरी नहीं है, आप अपनी ITR को ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर सकते हैं, सैलरी वालों के लिए छूट है, हर साल वो अपनी रिजीम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्रंट में ही इनकम टैक्स एस्टिमेटर करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपकी जो है डिटेल्स खुद से आ रही होंगी, जो भी आपकी सैलरी की डिटेल्स है जैसे मैंने आपको भी दिखाया था, वो 26AS और AIS में से भी यहाँ पर मैच हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो डिडक्शंस हैं, जो यहाँ पर डिडक्शंस दी गई है, वो यहाँ पर कम्प्लीट नहीं आ रही है। मैं आपको एस्टिमेट करके यहाँ पर टैक्स में एक बार दिखा देता हूँ। ओल्ड और न्यू दोनों में इस बार जो है 50,000 की जो है यहाँ पर जो बेसिक एग्जम्पशन है 50,000 की सैलरी केस में वो अलाउड है, न्यू में भी अलाउड है, ओल्ड में भी अलाउड है। लेकिन जो अदर डिडक्शंस है उनका क्या, जैसे यहाँ पर जो है ATC की डिडक्शंस है, तो ATC की डिडक्शंस जो है एम्प्लॉयर ने दी है, लेकिन ये ओल्ड टैक्स रिजीम में है, ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड होती है, न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं होती। इसके अलावा 80D की डिडक्शन यहाँ पर नहीं दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो है
जो होम लोन का इंटरेस्ट है उसको भी डिडक्शन यहाँ पर जो है प्रोवाइड नहीं की गई है, वो भी हम यहाँ पर क्लेम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है टैक्स लायबिलिटी एंड कंपेरिजन में यहाँ पर आपको टैक्स का डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टैक्स का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर जो टीडीएस की डिटेल्स है वो भी प्रॉपरली एंटर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर टैक्स पेबल आ रहा है ओल्ड के हिसाब से। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर टीडीएस की डिटेल्स एंटर करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जब हम इसको वेरीफाई करेंगे टीडीएस की डिटेल्स एंटर करके, कि यहाँ पर जो टीडीएस की डिटेल्स आ रही होंगी ना टैक्स वाली, वो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा पूरी कंप्लीट डिटेल्स आ रही है या नहीं आ रही। काफी केस ऐसे हैं जहाँ पर पूरी डिटेल्स नहीं आई हुई है, तो आपको इसको चेक कर लेना है। ठीक है, या हम जो है 26AS से वेरीफाई करेंगे, 26AS में जो वैल्यू आ रही है वो आपकी मैच होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर डिडक्शंस की हम बात करें तो यहाँ पर डिडक्शंस जो है वो हाउसिंग लोन वाली जो डिडक्शन है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड के कैपिटल में मैक्सिमम आपको जो है 2 लाख रुपए की डिडक्शन यहाँ पर मिल सकती है, तो मैं 2 लाख रुपए की डिडक्शन यहाँ पर क्लेम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद एस्टिमेट टैक्स पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी जो डिडक्शंस है वो क्लेम होने के बाद आपको रिफंड पता लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है न्यू टैक्स रिजीम में जो डिडक्शन लेने के बाद जो रिफंड आ रहा है वो 22,000 का है, और यहाँ पर जब हम ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर डिडक्शन लेने के बाद जो है 30,000 का यहाँ पर रिफंड बन रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, अपने रिफंड को आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लेम करना है। अब मैं यहाँ पर ITR 1 फाइल करूंगा, सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है ITR 1 फाइलिंग का। ITR 2 में अगर आपकी शेयर मार्केट की इनकम है, ITR 2 ITR 3 के लिए डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पर अपलोड किया था, प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपकी FNO ट्रांजेक्शन है उसके लिए अलग ITR 3 में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पर जाकर फाइल करने वाला हूँ। मोस्टली जो डाटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्म 16 दिखा देता हूँ, फॉर्म 16 में किस तरीके से कैलकुलेशन की गई है। देखिए यहाँ पर ये फॉर्म 16 है, तो ये ग्रोस सैलरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसके अलावा 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर दिया है। यहाँ पर जो इन्हें यहाँ पर डिडक्शन प्रोवाइड की गई है हाउसिंग हाउसिंग इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, वो भी यहाँ पर कम दी गई है। फिर ATC में 1.5 लाख की डिडक्शन दी गई है, ATD यहाँ पर अलाउड ही नहीं किया गया है, जबकि एक्चुअल में ATD का सर्टिफिकेट है SSC के पास, और जब ही तो अभी तो मैंने वहाँ पर जब कंपेयर किया था तो मैंने ATD वहाँ पर क्लेम नहीं किया था, तो इसलिए वहाँ पर जो है अभी रिफंड यहाँ पर ज़्यादा बनने वाला है। ITR को यहाँ पर इस तरीके से फाइल करेंगे कि सारा डाटा प्रॉपरली, और दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट क्लेम कर रहे हैं उनका एक्चुअल में आपके पास प्रूफ और एविडेंस होना जरूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट से क्वेरी आ सकती है कि जी आपका TDS जो है वो न्यू टैक्स रिजिम में कटा हुआ है, आप ओल्ड में जा रहे हैं या डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो आप हमें एविडेंस यहाँ पर सबमिट करा दीजिए, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है सैलरी, तो सैलरी जो है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना है, PSU में आप काम करते हैं तो PSU, अगर पेंशन आपकी आ रही है तो पेंशन के केस में भी सेम इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद सेक्शन जो है यहाँ पर 139(1) बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सेक्शन आएगा। आपकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, उसके बाद आपको ब्लेटेड ITR फाइल करनी पड़ेगी। ब्लेटेड के केस में जो है 5 लाख रुपये तक की इनकम पे 1,000 की यहाँ पर लेट फीस एप्लीकेबल है, 5 लाख से ऊपर वाली पे 5,000 की लेट फीस एप्लीकेबल है, तो 5,000 से आपका नुकसान हो जाएगा। बेटर है आप 31 जुलाई से पहले इसको फाइल कर लीजिए, यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, इस पर आपको यस कर लेना है। इसको यस करने से आपके जितने भी फील्ड्स हैं जिसमें आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं वो सब एनेबल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर नो रहेगा तो नो का मतलब है आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा अलाउड नहीं है, काफ़ी कम डिडक्शन यहाँ पर अलाउड है। कंपेयर टू अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में काफ़ी सारी डिडक्शन दी गई है, पर ओल्ड के और न्यू के अपने फ़ायदे हैं। न्यू में जो है आपको फ्लैट 7 लाख तक की छूट मिल जाती है, तो वो SSC जिनकी 7 लाख रुपये तक की इनकम है उनको तो न्यू में फ़ायदा है, बाकी ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर किसी की 7 लाख से ज़्यादा की इनकम है उसके पास काफ़ी सारे डिडक्शन हैं तो उनको जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करूंगा। रिफंड लेने के लिए कम से कम एक बैंक अकाउंट ऐड होना जरूरी है, आप उसके अलावा मल्टीपल बैंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जिनमें पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है। उसके बाद कंफर्म पर इनकम वाले में भी यहाँ पर जो है हम एग्जेम्पशन क्लेम करने वाले हैं, तो सेक्शन 1014 सेक्शन 1, 2, 3 ये सारी डिडक्शन जो है स्पेसिफाइड केस में आपको अलाउड होगी, आपके पास जो है इनके प्रूफ होना भी जरूरी है। तो आप इसको यहाँ पर भी यस नो करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको जब हम ITR फॉर्म में अपने जा रहे होंगे वहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्किप द क्वेश्चन पर क्लिक करके भी प्रोसीड करने वाला हूँ। देन उसके बाद मेरे पास जो है सैलरी का शेड्यूल आएगा।
अब देखिए यहाँ पर जो है सैलरी ऑटोमेटिकली नहीं आ रही है, तो मैं अपने फॉर्म 16 से यहाँ पर सैलरी एंटर करूंगा, तो ये चीज हो जाती है। काफी बार क्या होता है कि जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो नहीं करता, मोस्ट केस में डाटा ऑटोमेटिकली आ रहा है, पर जहाँ पर डाटा नहीं आ रहा है वहाँ आपको फॉर्म 16 के बेस पर मैच करते हुए डाटा को फीड करना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर ये वाले ऑप्शन है इसको डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ एग्जाम्ड अलाउमेंस, तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, जैसे HRA का अगर आपको अलाउमेंस मिला हुआ है, उसके अलावा सेक्शन 10(6) का, 10(7) का, यहाँ पर जो भी आपको स्पेशल अलाउमेंस मिले गए हैं वो सब केस में अलग अलग होंगे, तो आप अपने फॉर्म 16 में से देख कर वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप जो है एनी अदर वाले में भी जाकर इसको क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिख देना है क्या ऐसा अलाउमेंस है जो कि स्पेशली आपको मिला हुआ है, उसकी डिडक्शन आपको यहीं पर ही मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप HRA सारे जितने भी डिडक्शन हैं सब कुछ यहाँ पर जो है आप क्लेम कर सकते हैं, सबकी लिस्ट यहाँ पर जो है वाइडली दी गई है। कम्युलेटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव, तो कम्युलेटेड वैल्यू जितने भी आपको मिलती है उसके लिए भी डिडक्शन यहाँ पर अलाउ होती है। LTA, HRA सबके लिए डिडक्शन यहाँ पर दी गई है, आप उसमें से मैक्सिमम डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई भी डिडक्शन आपके फॉर्म 16 में नहीं आ रही है तब आपको ये क्लेम नहीं करनी है। हाँ, एक्चुअल बेसिस में अगर आपको HRA आपने क्लेम किया हुआ, आपने रेंट पे किया हुआ है, तो उस केस में आप इसको ले सकते हैं, उस बेस पर आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेस पर आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 इस वाले केस में 50,000 रुपये की, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम अलाउड थी, न्यू में भी अलाउड है, तो यहाँ पर मिल चुकी है। उसके बाद सेव पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। फिर इसमें अदर इनकम भी आपसे पूछी जाएगी, जैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जो कि हम यहाँ पर क्लेम करने वाले हैं 2 लाख रुपये का इंटरेस्ट, क्योंकि एक्चुअल में सर्टिफिकेट यहाँ पर है SSC के पास। ओल्ड टैक्स रिजिम में भी फायदा है कि जहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है वहाँ पर भी आपको डिडक्शन मिलेगी, जबकि न्यू में जो है आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, न्यू में केवल जब आप लेट आउट करेंगे, मतलब जब आप रेंट पर प्रॉपर्टी देंगे तभी आपको मिलेगा। उसके अलावा जो आपके इंटरेस्ट आ रहे होंगे डिपॉजिट्स के बैंक के, वो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। एक्चुअल बेसिस आपको ये भी लेने हैं। यहाँ पर कोई एग्जम्प्ट इनकम है वो आप दिखा सकते हैं, 5,000 रुपये देखिए यहाँ पर एग्जम्प्ट इनकम अलाउड होती है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। देन उसके बाद यहाँ पर हम जो है टोटल डिडक्शंस, अपने डिडक्शंस यहाँ पर वन बाय वन क्लेम करने वाले हैं। फिर टैक्स पेड हमें जो है, जो हमारे 26 से एस में आ रहा है, फॉर्म 16 में आ रहा है, वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं मैनुअली। मैं पूरा यहाँ पर बताऊंगा आपको। डिडक्शंस में आप यहाँ पर देख लीजिएगा, डिडक्शन की यहाँ पर जो है आपको काफी सारी लिस्ट मिलेगी डिडक्शन लेने के लिए। जैसे डोनेशन का है तो 80G का आपको शेड्यूल भरना पड़ेगा। इस बार जो है फॉर्म 10B मैंडेटरी है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपको शेड्यूल भरने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ATU में भी अलग से एक फॉर्म फाइल करना है, 10IA, ATDD में भी 10IA फाइल करना है। इस केस में यहाँ पर नहीं है डिडक्शंस, तो मैं अभी नो करके यहाँ पर आगे प्रोसीड करूंगा। इस वाले केस में ये वाली डिडक्शन भी नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च फॉर रूरल डेवलपमेंट, ATDD रेंट की डिडक्शन आप ले सकते हैं, लेकिन उस केस में HRA क्लेम मत करिएगा। 60,000 रुपये तक की रेंट की डिडक्शन यहाँ पर मिल जाती है। ATC में यहाँ पर डिडक्शन है, तो हम यहाँ पर 1.5 लाख रुपये की डिडक्शन क्लेम करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा था वो भी हम यहाँ पर क्लेम करेंगे। 80CCD2 में रिडक्शन है वो तभी मिलेगी जब फॉर्म 16 में आपके एम्प्लॉयर ने दिखा रखी होगी। इस केस में यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर ने नहीं दिखाई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है के एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर 80CCD2 में डाटा एंटर करते हैं, उसके बेस पर ही आपको रिडक्शन मिलने वाली है। ATD के लिए अलग से शेड्यूल फाइल करना पड़ेगा। ATE के लिए भी 80TTA में जो हमारी रिडक्शन है वो हम क्लेम कर लेंगे एज पर जितना हमने इंटरेस्ट वहाँ पर शो किया हुआ है। उसके लिए हमारे यहाँ पर काफी सारे अदर डिडक्शंस भी हैं, अगर आप वो क्लेम करना चाहें तो टिक करिएगा, फिर उनके शेड्यूल आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने शेड्यूल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है मैंने 80C की डायरेक्ट ले ली थी, अब मुझे 80TTA क्लेम करना है और 80D क्लेम करना है। मैं 80D भी यहाँ पर क्लेम कर लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअल बेसिस यहाँ पर अवेलेबल है, SSC के पास इसका सर्टिफिकेट है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने पे किया हुआ है, और यहाँ पर जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन काम करेगा, नो वाला। यहाँ पर हमें एक्चुअल बेसिस को क्लेम करेंगे, देन उसके बाद कंटिन्यू, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन को नोट क्लेमिंग रहने देना है। फिर उसके बाद सेव पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। देन उसके बाद 80 जो TTA का था वो हम यहाँ पर अपने इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर जो है 80 TTA के अंदर में डिडक्शन अलाउड होती है 10,000 रुपीज़ तक की, 10,000 रुपीज़ तक का आप यहाँ पर जो है क्लेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो एक्चुअल है जितना हमने इंटरेस्ट दिखाया है उतना ही हम यहाँ पर क्लेम करेंगे। देन उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है।
और आगे सेव करते जाना है। अब हमारा जो है लास्ट एक ऑप्शन रह गया है जिसमें हमें TDS की वैल्यूज एंटर करनी है, तो वो हम सर्टिफिकेट से या 26AS से अपने यहाँ पर टैक्स पेड वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। टैक्स पेड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है सैलरी इनकम वाला, इस पर क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो है आपको अपने एम्प्लॉयर का टैन नंबर डाल देना है, नेम डाल देना है, कितनी सैलरी आपको मिली है वो डाल देनी है, टैक्स डेट की कितना हुआ है वो आपको डाल देना है, ऐड पर क्लिक करना है, सेव कर देना है। TDS की डिटेल एंटर करने के बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी पर क्लिक करना है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी पर क्लिक करने के बाद आपकी जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी कि कितना आपका टैक्स बन रहा है, कितना टैक्स यहाँ पर कटा हुआ है। फिर उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है, आगे प्रोसीड कर दे रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोसीड पर क्लिक करना है और जो भी आपका एक्चुअल TDS का रिफंड है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए इस केस में यहाँ पर जो है रिफंड की अमाउंट बन चुकी है। तो इसी तरीके से आपको भी एक्चुअल डाटा सबमिट करते हुए अपने रिफंड को क्लेम करना है। ऐसे काफ़ी सारे केस बनेंगे जहाँ पर जो है रिफंड बनेगा, पूरा रिफंड तो नहीं बन सकता है क्योंकि तो इस बार जो है इनकम भी उसी तरीके से कंसिडर की गई है, न्यू टैक्स रिजिम में उसी तरीके से की गई है, ओल्ड में भी उसी तरीके से जो भी डिडक्शंस थी वो एम्प्लॉय ने प्रॉपरली दिखाई है। बट यहाँ पर रिफंड इसलिए बन रहा है कि न्यू टैक्स रिजिम में TDS डिडक्ट कर लिया गया, आप ओल्ड में जा रहे हैं या ओल्ड में कर लिया गया न्यू में आप जा रहे हैं, जहाँ पर भी आपको ज़्यादा बेनिफिट हो वहाँ पर आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू वैलिडेट लिखा आएगा, फिर उसके बाद इसको वेरीफाई करेंगे आधार OTP से। प्रोसीड टू वेरीफाई होने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है, आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा ई वेरीफाई नाउ वाला पहला ऑप्शन लीजिएगा। सेकंड वाले ऑप्शन में 30 दिन के अंदर वेरीफाई करना है। ITRB को आप बेंगलुरु भी भेज के वहाँ पर भी इसको एक्नोलेज करा सकते हैं, लेकिन काफ़ी बार ये डिले हो जाता है तो आपकी जो ITR है वो इनवैलिड हो जाएगी। बेटर है पहले वाला ऑप्शन लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको वेरीफाई कराना है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जैसे कि आधार OTP वाला, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है आपको। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, एक OTP जाएगा, वो OTP जो है यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर दीजिएगा। वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद ITR वेरिफिकेशन होने के बाद ही ITR फाइलिंग कंप्लीट मानी जाएगी। फिर इसके बाद जो है आप इसको यहाँ पर जाकर व्यू फाइल रिटर्न्स पे जाकर यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। व्यू फाइल रिटर्न्स पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ITR मिल जाएगी, जो सी भी ITR आपने फाइल की होगी। ये ITR का फॉर्म है, ये रिसीट है, जब भी आपको ITR सबमिट करनी होती है तो आपको ITR रिसीट के साथ साथ आपको कंप्यूटेशन सबमिट करनी होती है। कंप्यूटेशन आप खुद से जनरेट कर सकते हैं, गूगल की हेल्प उसमें ले सकते हैं, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राफ्ट भी दिए गए हैं, आप वहाँ से भी डायरेक्ट कंप्यूटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, इसलिए सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।